हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बनाते हैं बेसन के ढोकले। पहले एक कटोरी बेसन लेते हैं। एक छोटी कटोरी या बेसन वाली कटोरी से आधी कटोरी दही की ऐड करते हैं इसके अंदर। अब इसमें डालते हैं नमक। अब इसको थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसको मिक्स करते हैं। बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, एक पिंच मीठा सोडा डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 चम्मच इसमें पिसी हुई शक्कर डालेंगे, अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच ऑयल की इसमें ऐड करते हैं और इनो डाल लेते हैं। इनो डाल के अच्छे से फेंट के इसको अभी उसमें डाल देते हैं। ज़्यादा देर नहीं रखेंगे इसको बाहर। ये मैंने इनो डाल के इसको अच्छे से फेंट दिया है। जिस बर्तन में इसको बनाएंगे उसके मैंने चिकनाई अच्छे से लगा ली है कि निकालते वक्त इस परेशानी नहीं हो। अब इसको इसमें डाल देते हैं। गैस के ऊपर हमने बड़ा भगोना रख के इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसके अंदर जाली स्टैंड लगा दिया है। पानी बॉयल हो चुका है। अब हमने जो घोल तैयार किया है वो वाली प्लेट इसके अंदर रखते हैं। ये बिल्कुल रख दिया हमने। अब इसको ढक देते हैं और इसको कम से कम 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ते हैं। इसको प्लेट से अच्छे से ढक देते हैं। खमन ढोकला जितनी देर में तैयार होता है उतनी देर में हम इसके लिए मीठा पानी इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें राई डाल देते हैं, साथ में डालते हैं इसमें हरी मिर्च और मीठी मिर्च। अब इसमें ऐड कर देते हैं पानी। साथ में डालते हैं 2-3 चम्मच चीनी की। अब इसको बॉयल आने तक पकाते हैं और इस तरह हमारा तैयार हो जाएगा शुगर सिरप जो ढोकले के ऊपर हम डालेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको बंद कर देते हैं गैस को और इसको उतार के हटाते हैं। देखिए खमन ढोकला बनके तैयार है। अब इसको प्लेट में निकालते हैं। साइडों से पहले इसको हटा लेते हैं कि आराम से निकल जाए। अब इसको ट्रे में उल्टा करते हैं। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, ये देख सकते हैं। अब इसके पीस करते हैं और इसके ऊपर तड़का डालते हैं। पीस कर लिया हमने, अब इसके ऊपर शुगर सिरप डाल देते हैं। बहुत अच्छे से डालेंगे कि इसके अंदर तक ये चला जाए। हमारा ढोकला बनके तैयार है, देख सकते हैं बहुत स्पंजी बना है। आप भी एक बार जरूर बनाइए।